Hello, my army. Good evening. Good evening, everybody. I hope मुझे हर बच्चा यहाँ पर देख सकता है and सुन सकता है and lesson number 3 के लिए absolutely ready है. Yes or no in the chat section. जल्दी से बता दो मुझे. Let me see. Everyone, चलिए बिल्कुल start हो चुका है. Alright, super job. Today's session is going to be very, 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 very important. CBSE point of view se bhi, because maximum questions come from here. And if you are talking of JEE, tab bhi maximum question comes from here. To chalo, planes udate hain aaj. Kitne bache ma'am ke saath plane mein baith ke udne ke liye taiyar hain? Let me just see. Yes, how many of you are absolutely ready? So today we are going to discuss about the key equations of a plane, ठीक है, and इसको आगे build upon करेंगे with lots and lots of questions, right? अगर आपने इससे पहले के दो lessons नहीं देखे, where we discussed the basic, the introduction, direction, ratios, cosines, all those things, कल हम लोगों ने किया था lines, ठीक है, वो सब आप, what I'm going to do is there is a PDF under the video, एकदम free PDF, right? तो ये पीडीएफ है आपका 11th एंड 12th मैथ सीबीएसई से जेई तक. यहाँ पे हम जो भी करते हैं ना वीक में ट्वाइस ये पीडीएफ आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है. सो जितने भी चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं सारे उनके वीडियो लिंक्स यू विल फाइंड हियर, एंड जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे यार वेक्टर्स तक अपडेटेड है, ठीक है. क्लास 12th के लिए अगर मैं बात करूं इसी के नीचे वेक्टर्स तक वी हैव अपडेटेड. टुडे आफ्टर दिस सेशन मैं आपका 3D ज्योमेट्री भी अपडेट करा दूंगी. सो ट्वाइस अ वीक वी अपडेट दिस डॉक्यूमेंट. बाकी यार प्लेलिस्ट तो सारी ऑफ कोर्स आपके वीडियो के नीचे आपको मिलती ही रहती है, बट इसको जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत काम की चीज है. चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को. अमेजिंग, बट ऑफकोर्स विद अ वेरी हैप्पी वाइब. वो हैप्पी वाइब क्या है कि 547 स्टूडेंट्स वर वेदन्स हु गॉट सिलेक्टेड इन जेई एडवांस. तो इसी तरह आप भी जुड़ना चाहते हो अगर इस कोर्स से, राइट, वेदर यू आर इन ग्रेड 11, ग्रेड 12 या फिर ड्रॉपर हो, वी हैव एब्सोल्यूटली अमेजिंग लॉन्ग टर्म कोर्सेज फॉर यू, क्योंकि एज एक्सपर्ट्स वी अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे किस चैप्टर को कितना करने की जरूरत है एंड कहां से करने की जरूरत है, राइट. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मच मोर यू नो अ लिटिल लेटर इनटू द वीडियो. वैसे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर जुड़ सकते हो. ऑलराइट, दिस इज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट यू विल फाइंड. यू कैन यूज द कोड एनर्जी प्रो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है. तो उस पर बात करेंगे, लेकिन आ जाओ लेट्स स्टार्ट विद प्लेन्स, है ना. प्लेन होता क्या है, एक 2D सर्फेस. प्लेन होता क्या है, दैट इफ यू टेक टू पॉइंट्स ऑन इट, है ना, टेक टू पॉइंट्स ऑन, सो इट्स लाइक अ सर्फेस जिसके ऊपर अगर आपने टू पॉइंट्स लिए उनको ज्वाइन किया, सो दैट इंटायर लाइन लाइज ऑन द सेम सर्फेस, दैट्स प्रीटी मच द प्लेन, प्लेन ऑफ अ बोर्ड एंड सो मेनी थिंग्स, है ना. अब इसी के रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टन एस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड उसके बाद ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट you know, we are also going to talk about the types of equations. ठीक है जी, तो सबसे पहले ना जो most important thing है बच्चों वो ये है, normal to a plane. इस चीज को समझ लो, इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा बड़ा लगा के लिख लो, ठीक है. एवरी प्लेन इज डिफाइंड बाय इट्स नॉर्मल. अब समझो, इफ आई टेल यू प्लेन है जी, एक आई टेल यू अ रैंडम पॉइंट, है ना, मैं बोल दू एक पॉइंट है, there is a point given on the plane, you find the equation of the plane. अरे भाई एक point से तो you can get multiple planes, है ना. आपने ये point लगा दिया, अब मैं एक यहाँ से plane निकालूँ, एक यहाँ से plane निकालूँ, एक you know you get the point, एक यहाँ से plane निकालूँ, I can have multiple planes. यानी कुछ तो मुझे और condition देनी पड़ेगी ना in order to get the equation. Now the biggest such you know condition that you are given is called the normal to the plane, bole to perpendicular to the plane, okay, perpendicular to the plane, theek hai. Ab ek cheez samjho jo sabse zyada important hai, normal to the plane ya normal of the plane jo hota hai, theek hai, ya main agar bolu ki agar main poochu normal to the plane, main bolti hu uske drs,
DR समझते हो, डायरेक्शन रेशियोज, करेक्ट? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर द सेम एज DRs ऑफ द प्लेन. अब इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स. तो एक चीज समझो, व्हेन इज, हाउ विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन प्लेन. एक पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, वो सब बात की बात, उसका नॉर्मल गिवन है या नहीं. यानी कि इफ आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस हैंड, जो अभी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है. इफ आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस हैंड, अगर मैं इसको प्लेन मान के चल रही हूँ, द परपेंडिकुलर विल बी गिवन टू दिस, ठीक है. एंड इस पेन के जो DRs हैं, DRs मतलब डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनको मैं प्लेन के DRs भी बोलूंगी. आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस, आर वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? जो भी आपके परपेंडिकुलर टू द प्लेन के DRs होते हैं, उन्हीं को आप DRs ऑफ द प्लेन भी बोलते हो. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप हैविंग कंफ्यूजन हियर, ठीक है. वेरी सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव बेसिक टाइप्स ऑफ प्लेन्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. इनफैक्ट आई विल मेक यू मार्क जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राइट. वेयर एवर रिक्वायर्ड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि यार यहाँ पे आपने डिराइव कैसे किया है. एंड जहां लगे नहीं यार चीजें ऐसे ही बहुत सिंपल है, वी विल गो थ्रू देम स्ट्रेट अवे. सो ये आपका एक प्लेन है. नॉर्मल फॉर्म क्या बोलती है? जैसे कि नाम में ही उसका काम है, नॉर्मल मीन्स अ परपेंडिकुलर इज गिवन टू यू. लेकिन परपेंडिकुलर थोड़ा सा हटके है. सो अंडरस्टैंड, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एन कैप एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. तो समझो आपको इस प्लेन पे क्या क्या गिवन है. अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एंड अ डिस्टेंस P units from the origin, distance P units from the origin. समझ रहे हो? If this is origin, तो this distance is given to be P units. Now, how am I exactly going to find the answer? Answer already आपके लिए written है. ये जो P distance है, अब थोड़ा सा एक चीज को visualize करो, मैं कैसे इस answer पे पहुंच रही हूँ, ठीक है? Just try understanding one thing. Plane पे यार एक ये distance दिया हुआ है OP. I took a random point R, ठीक है. इतने content को देख के घबराना नहीं, सिर्फ basic basic चीज देखो. आपको एक normal vector दिया है and you are given this OP, जिसकी length is given to be P, ठीक है. जिसकी length is given to be P, आपने एक random vector, आपने एक random point लिया इस पे, vector R, है ना, vector R. अब मुझे क्या ये समझ आ रहा है, vector R जो मैंने plane पे लिया है, वेक्टर आर जो मैंने प्लेन पे लिया है, आई विल गेट ओपी. क्या है बेसिकली, एक वेक्टर अगर मुझे निकालना है एंड ये यहां क्या हो रहा है, ये क्या है, दिस वेक्टर इफ आई गेट एंड इफ आई गेट दिस वेक्टर, ये मेरा पोजिशन है, ये इसका डायरेक्शन है. सो आर डॉट एन कैप इज गोइंग टू गिव मी द सेम लेंथ एज द परपेंडिक्यूलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है. अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इट्स वेरी इजी. यस, जैसे कि कार्तिक इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन, वर्ड प्रोजेक्शन फॉर एनी पॉइंट आर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ आर ऑन एन कैप. क्या मतलब है इसका, ये समझो, प्रोजेक्शन ऑफ ओ आर ऑन एन कैप, एन कैप का है यहां पर है. तो प्रोजेक्शन मतलब आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो उसका जो हॉरिजॉन्टल नीचे डिस्टेंस आता है, दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है. तो ये क्या है, ये मैंने ओ आर पे क्या किया, मैंने ओ आर पे प्रोजेक्ट किया. फॉर एनी पॉइंट ओर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ आर, प्रोजेक्ट कैसे करते हो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो. तो ये जो डिस्टेंस है, इट इज द सेम एज द डिस्टेंस पी. इस लॉजिक पे हम चलते हैं. समझ आया तो अमेजिंग है, नहीं भी आया, एज अ बेसिक डेफिनेशन इसको याद कर सकते हो एंड इसी से आप डिराइव कर सकते हो इसकी कार्टेशियन फॉर्म. मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस वी विल डू इन बोथ द फॉर्म्स, वेक्टर्स एंड कार्टेशियन. लेकिन कहीं मुझे लगेगा कि यार अननेसेसरीली दूसरी फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट डूइंग दैट फॉर्म ऑल्सो, ठीक है. तो ये चीज है. एंड इसको अगर मैं आर को बोलूँ, यार आर क्या है, एनी जनरल पॉइंट है, बेसिकली एनी पॉइंट ले लिया मैंने जिसका पोजिशन वेक्टर आर है. सो आई कैन से लेट आर बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
प्लस ZK कैप। अच्छा अब यूनिट वेक्टर है, देखो सारी चीजें किस तरह अटैच्ड होती है। यूनिट वेक्टर जो होता है what does it give us? Tell me quickly in the chat box. वो DRs देता है या DCs देता है? जल्दी से बता दो in the chat section, जो एक unit vector होता है क्या वो direction ratios देता है या वो direction cosines देता है? ये lesson 1 में बहुत clearly बताया था मैंने। Let me see. बिल्कुल ठीक, DCs है ना। कोई भी general vector आपको direction ratios देता है, but आपको unit vector हमेशा DCs देता है। तो DCs ले लिए मैंने, ठीक है, DCs मैंने ले लिए, ठीक है जी। तो अब मैं R dot n cap करूंगी, मुझे क्या मिलेगा? LX plus MY plus NZ just the dot product is equal to P। बस यही equation है जो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो। That's it my army। I hope ये चीज हमको समझ आई है। Let's take an example to understand it better, ठीक है? Let's understand this। अच्छा हाँ, आज कुछ बच्चे 4:30 के लिए पूछ रहे हैं। 4:30 आज एक बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली है। आ देखे जरा किस में कितना है दम। ओके सो 4:30 आई एम गोइंग टू सी यू लाइव। अभी यहाँ पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज नॉर्मल हैज डीसीज दिस। अब एक चीज फिर से बता रही हूं, याद रखना, नॉर्मल हैज डीसीज या प्लेन हैज डीसीज एक ही बात होती है, उसमें कंफ्यूज कभी मत होना। नॉर्मल के ये डीसीज है या प्लेन के ये डीसीज है, एनीथिंग इज रिटन इट मींस द सेम, या डीआरस भी लिखो। तो यानी मुझे ये क्या गिवन है, दैट मींस आई एम गिवन एल इज 2/7, एम इज 3/7 एंड दिस इज एन इज -6/7, ठीक है। सो प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज नॉर्मल हैज डीसीज, ये तो मैंने क्या लिखा यार, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। अब पी कैसे निकालू मैं, जल्दी से बताओ मुझे इन द चैट सेक्शन। कम ऑन माई आर्मी, लेट मी सी हियर। यस, वॉट वुड इट बी माई आर्मी? जीरो, बिल्कुल ठीक। क्यों? बिकॉज मुझे ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जीरो। पासिंग थ्रू जीरो मतलब एक्स को जीरो किया, वाई को जीरो किया, जेड को जीरो किया, तो पी तो अपने आप जीरो हो गया, है ना। पी विल बी जीरो सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है जी, पासिंग थ्रू जीरो जीरो जीरो। बस मेरी क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2x plus 3y minus 6z is a 0 and that's pretty much your answer. Pretty much our answer. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया यार, सब कुछ ऐसे स्प्रेड आउट किया है। एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक करेंगे, फिर छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एंड धीरे धीरे एज वी विल बिल्ड अप ऑन ऑल दीज हायर लेवल पे क्वेश्चन पे चलते चलेंगे इस सीरीज में। चलो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब नॉर्मल टू द प्लेन बोलूं या आई कुड हैव गिवन यू द क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन। जल्दी से बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन देती है ना, अगर मैं ये क्वेश्चन देती तो क्या होता? इज इट द सेम क्वेश्चन या ये कुछ डिफरेंट है? यस yes? क्या ये क्वेश्चन सेम है या डिफरेंट है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती फाइंड द डीसीज ऑफ द प्लेन, जल्दी से लिख दो सेम या ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जल्दी से बच्चों, लेट मी सी। यस, नहीं, यहां बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा ताकि किसी के दिमाग में कोई डाउट भी है ना, डाउट मत रखना, दे आर गोइंग टू बी द सेम, डिफरेंट नहीं है। यही मैं आपको बिगनिंग में बता रही थी कि एक प्लेन किससे रिप्रेजेंट होता है, उसके डायरेक्शन कोसाइन से या डायरेक्शन रेशियो से, एंड वो कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या ये चीज हमको समझ में आ गई है? दे आर गोइंग टू बी द सेम, मैं ये पूछूं या डीसीज ऑफ द प्लेन पूछूं, इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जहां पे बच्चे अटकते हैं, वो मैं आपसे पूछ के चलूंगी। चलो आ जाओ, बड़े सारे बच्चों ने बीच में मुझे ये आंसर दिया, इज इट राइट, क्या ये डीसीज हैं? यस और नो, जल्दी से लिख दो यस और नो इन द चैट सेक्शन, क्या ये डीसीज हैं? आई वॉज रीडिंग योर रिस्पॉन्सेज बिगनिंग में,
यस प्रतीक पूछ रहे हाउ, प्रतीक यही नोटेशन है, यही नोटेशन है. नो बिल्कुल ठीक यार, ये नहीं है, ये तो आपके डीआरज है ना, याद है ना वही वेक्टर्स वाला फंडा यहां भी चलेगा. इफ इट्स अ यूनिट वेक्टर तब वो डीसी है, अगर वो नॉर्मली एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे इसका मैं मैग्नीट्यूड लो, आप जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड फॉर दीज पीपल, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, इज गोइंग टू बी 3² + 4² + 1. यस इज इट 1, क्या ये 1 है मैग्नीट्यूड, ना ना ना, ये मैग्नीट्यूड 1 तो है ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड 1 तो है ही नहीं, यानी ये आपका डीसीज नहीं है, क्योंकि डीसीज हमेशा आपको यूनिट वेक्टर से मिलते हैं, दैट मीन्स यू विल हैव टू डिवाइड विद द मैग्नीट्यूड. क्या ये चीज समझ में आई, यू विल हैव टू डिवाइड थ्रू द मैग्नीट्यूड एंड ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. वन मोर थिंग, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फिर क्या बताओगे, अगर सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछती व्हाट इज द, फाइंड द डीसी तो हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जल्दी से बता दो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यहां पे बच्चे 7/√26 आंसर दे रहे हैं मुझे, एब्सोल्यूटली यही तो है. क्यों, क्या थी मेरी इक्वेशन, ये थी मेरी इक्वेशन है ना, बिल्कुल. सो इफ आई कंपेयर आई विल गेट दिस एज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. आई होप अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ते जाओ मजा आएगा. नाउ पीपल व्हाई एम आई सो हैप्पी, पॉइंट पैरेलल फॉर्म, ये ऑफिशियल नाम नहीं है, ये ऑफिशियल नाम नहीं है, ये मैंने नाम दिया है. क्यों, नाम में ही काम छुपा है, दैट मीन्स यू आर गिवन अ पॉइंट. अच्छा इनफैक्ट पॉइंट पैरेलल की जगह यार मुझे इसमें बोलना चाहिए आपको पॉइंट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आई थिंक मैंने थोड़ा टाइपिंग में वो कर दिया, पॉइंट परपेंडिकुलर, इसको प्लीज ठीक कर लेना, बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल नेम, ये मैंने नाम दिया है, यानी पॉइंट एक गिवन हो और कहीं भी परपेंडिकुलर गिवन हो आपको. नाउ हाउ डू यू, सो हर उसमें ना, हर टाइप ऑफ इक्वेशन में कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, लाइक इन द लास्ट वन वी हैड द यूनिट वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. यहाँ पे कोई भी कहीं एक रैंडम पॉइंट दिया है एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, क्या बात है, बड़े सारे बच्चों ने पहचान लिया इसका निकनेम. तो पॉइंट परपेंडिकुलर फॉर्म अक्का, अक्का आलू फॉर्म. तो जैसे 2D ज्योमेट्री में आपकी वन पॉइंट फॉर्म और द पॉइंट स्लोप फॉर्म वी यूज टू कॉल एज द आलू फॉर्म, ये आपकी 3D ज्योमेट्री की प्लेन्स की आलू फॉर्म है. आलू फॉर्म का मतलब क्या है, इफ इन केस देयर इज एनी न्यू बच्चा, पहले तो देखो एक अच्छा सा आलू बना लो, ठीक है. कुछ बच्चों को हो सकता है ये थोड़ा किडिश लगे, बिलीव मी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भूलोगे नहीं कभी, राइट. व्हाई इज इट एन आलू फॉर्म, जस्ट अंडरस्टैंड, आलू यार बिल्कुल ऐसा होता है ना कि कहीं भी डाल दो उसको, कहीं भी किसी भी सब्जी में फिट कर दो, राइट. सेम वे द मैक्सिमम यूज्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, कि कुछ नहीं समझ आ रहा यार, चलो एक पॉइंट ही गिवन है मुझे, मैं आई विल अप्लाई दिस, दैट इज हाउ वी कॉल दिस टू बी द आलू फॉर्म, ठीक है जी एवरीबडी. अब होती कैसी है ये फॉर्म, ठीक है, होती कैसी है ये फॉर्म याद रखना. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एम आई गिवन, एक पॉइंट गिवन है यार मुझे, x1 y1 z1, ठीक है, एंड आई एम गिवन नॉर्मल टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर गिवन है मुझे प्लेन पे, राइट. ये चीज समझ में आती है सबको, यस और नो, पहले मैं आपको यार वेक्टर फॉर्म से सिखाती हूँ, ज्यादा इजी लगेगा बिलीव मी. ऐसे एक वेक्टर है, एक पॉइंट गिवन है विद पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ये मेरा कोई जनरल पॉइंट है विद पोजिशन वेक्टर आर. अब एक बार बताओ, ऑब्वियस है, क्या आपको लगता है पी आर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, नॉट एन कैप, वेक्टर पी आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, ये सुनो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है. ये आपका प्लेन था, इस पर एक पॉइंट गिवन था, मैंने एक और ले लिया, इसको ज्वाइन किया और मैंने बोला दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस और नो, है ना. अब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, पीपल व्हाट हैपेंस व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डीआरस का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, डीआरस का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, करेक्ट. सो व्हाट डू आई गेट,
व्हाट डू आई गेट? इसका क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज अ जीरो, क्योंकि ये तो अपने आप में ही डायरेक्शन वेक्टर है ना, दैट्स इट, यही है इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म. डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स एज सिंपल एज दैट. येस नो माई आर्मी, क्या ये चीज समझ में आई? यस. When will we do probability? Very soon. ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आई है ना? अब इसी को मैं कार्टेशियन में कर देती हूँ. कैसे? मैंने यार पॉइंट आर को ये सब हटा दो. नाउ इफ आई टेक आर एज एक्स आई कैप, वही कहानी, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, मैंने लेट्स से वेक्टर आर को बोल दिया जो फिक्स पॉइंट है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप. एंड ये वेक्टर एन है, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके चलो, जो इक्वेशन आएगी आपकी ये आ जाएगी. आप खुद करके देख लेना, देयर इज नथिंग मेजर दैट्स हैपनिंग हियर. कहानी खत्म. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म अगर कोई है पूरे 3D प्लेन्स में, दिस इज द वन. तो मतलब आप इसको बिल्कुल सुपर स्टार, और उसमें भी कार्टेशियन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको यार एक बारी बिल्कुल एक बारी बाव कर दिया जाए इसके सामने. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ योर 3D ज्योमेट्री. यस और नो माय आर्मी? यस एवरीबडी. तो चलो अभी तुम आगे देखोगे कैसे कैसे हम धीरे धीरे जब आपके जेई के क्वेश्चंस या CBSE कोर के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ना, दिस विल बी द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म. गॉट इट? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म. एंड डोंट वरी अबाउट ऑल दिस कंटेंट, द PDF विल बी शेयर्ड विद यू आफ्टर द वीडियो. ये सारी स्लाइड्स विल बी कन्वर्टेड टू PDF एंड शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वेदांतु मैथ. कहाँ है? वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ठीक है, एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज नॉर्मल है. अब देखा तुमने DRs पे आ गया. फर्स्ट फॉर्म क्या थी? DCs थी. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर था. दिस कुड बी एनी नॉर्मल, है ना? चलिए एवरीबडी, ओके. सो हुज नॉर्मल हैज दीज DRs and passing through this. ठीक है, normal has DRs. ये तो equation एक बार याद ऐसे लिख लो. In some time of course you would start remembering this. ये बस कुछ नहीं करना यार, values डालनी है. A की जगह क्या है? 1, 2, 3. That's my ABC. X minus X1, Y minus Y1, Z minus Z1. Open this equation. X plus 2y plus 3z. This is minus 1 plus 2, 1 minus 6. खत्म. अगर आपका ये आंसर आ चुका है, क्या कोई डिफरेंट आंसर आया? नहीं. अगर आप लोगों का भी यही आंसर आया, come on, let's see some hearts in the chat section. कि 4 डाला मैम, बेसिक सी एप्लीकेशन थी, कर डाली. Yes or no my army? Come on, let's see this. Okay people, let's move further. Amazing. आ जाओ. Find the DRs of normal to the plane. DRs पूछा है अब. DRs of the normal. अब मैं देखती हूँ कितने बच्चे करेक्ट जवाब देते हैं. Let me see here people, how many of you answer this correctly? Let's see. Alright. बहुत ही सिंपल. Yes. बिल्कुल 2, 3, 7. अब नहीं सोचना या 2, 3, -7. अब नहीं सोचना हमने. That सोचिंग वी हैड टू डू, बेसिकली दैट थॉट प्रोसेस हैड टू अंडरगो. अगर मैंने यूनिट वेक्टर मांगा होता, अगर मैंने डायरेक्शन कोसाइन मांगा होता, अभी तो इट्स जस्ट सर्व्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, अब डिफरेंस समझ आया दोनों क्वेश्चंस में? डिफरेंस समझ आया? यस और नो? उसमें मैंने डायरेक्शन कोसाइंस मांगे थे. डायरेक्शन कोसाइंस आर पार्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. दिस इज अ ऑर्डिनरी पर्सन, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन. उसको इंपॉर्टेंस चाहिए बॉस, उसको सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए. डायरेक्शन कोसाइन को सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए, वो हमारा स्टार है. डायरेक्शन रेशियो बेचारा आम इंसान है ना, वो किसी में भी मान जाता है. चलो एक छोटू सा क्वेश्चन और, एक वेरी छोटू क्वेश्चन और, है ना? Come people, let's do this. And make sure
टू हिट द लाइक बटन इफ यू आर एंजॉयिंग, है ना। वैसे एक बात तो है, एक बात तो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी ऑर्डिनरी तो आता है, पहले हर कोई ऑर्डिनरी ही होता है, उसी के आगे फिर वो एक्स्ट्रा पावर लगती है व्हेन यू वर्क हार्ड इन दैट डायरेक्शन, है ना। चलिए लेट्स डू दिस। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस। इसका क्या मतलब हुआ, अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है पर आपको समझ फिर भी आएगा। मैंने बोला हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा, लेट मी सी। सो आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, समझ रहे हो, विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, है ना। तो यानी आपको नहीं लगता बच्चों कि इस ग्रे वाली डायरी के क्या डी आर्स हो जाएंगे, उसने तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे इसी के एब्जॉर्ब कर लिए बिकॉज पैरेलल होंगे, है ना एवरीबडी। तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सो मुझे पता है डी आर्स तो सेम ही होने वाले हैं, टेक्निकली आप बोलते हो प्रोपोर्शनल होंगे बट अल्टीमेटली तो वो लैम्डा वैम्डा सब कट जाता है ना। सो बेसिकली ए इंटू एक्स माइनस क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वेरी सिंपल। दैट्स इट एंड यू आर डन, है ना, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक। सो 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर आंसर, प्रिटी मच आर आंसर। तो मैंने क्या बोला कि मुझे इस हाथ की इक्वेशन निकालनी है एंड इट इज पैरेलल टू दिस हाथ। तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज सेम डी आर्स हो गए ना, दोनों के सेम डी आर्स हो गए, दे आर पैरेलल। वही लॉजिक जो हम वेक्टर में चलाते थे, प्लेन्स में चलाते, लाइंस में चलाते थे, वही फंडा यहाँ भी चला रहे हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन हूज डी आर्स आर दिस। अब क्या करें, कम ऑन पीपल, लेट्स सी दिस। एंड टुडे एट 4:30 वी हैव दिस अमेजिंग सेशन ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, मिस मत करना, ओके अभी आ जाओ। सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू। अच्छा तो मैंने क्या किया यार, क्या गिवन है मुझे, अब मुझे क्या पता व्हाट इक्वेशन चला है अप्लाई, है ना। आप फंस गए, आपको टू पॉइंट फॉर्म तो कुछ करवाई नहीं है प्लेन की, यू ओनली हैव वन थिंग आलू, एक पॉइंट तो है ना, उसी के साथ खेल जाओ। सो जस्ट से लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, करेक्ट, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी क्या, ए, क्योंकि मुझे डी आर्स नहीं पता बच्चों, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी y माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई प्लेन। अब क्या है, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस, तो दैट मीन्स इवन द सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई इट, है ना, इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई इट। तो क्या मिलेगा मुझे, a इंटू 3 माइनस वन प्लस बी, प्लस नहीं यहाँ आ जाएगा ना, हाँ प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, माइनस फोर प्लस टू प्लस सी टू माइनस फोर इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स 2a माइनस 2b माइनस 2c इज अ 0, यानी a माइनस बी माइनस सी 0, ये एक इक्वेशन मिल गई। और क्या गिवन है मुझे, दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन हुज डी आर्स आर दिस, दिस प्लेन is parallel to the line whose DRs are this. अब क्या करूं मैं, अब सोचो, how many of you can think of this, come on people, I would like to see in the chat section. अब मैं क्या करूं बच्चों, yes, अब मैं क्या करूंगी, yes, absolutely perpendicular DR. देखो अब यहां क्या खेल खेला है हमने, ये प्लेन तो है, ये अपने पास प्लेन तो है, ठीक है। अब इस प्लेन ने क्या बोला, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन हुज डी आर्स आर हुज एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डी आर्स आर दिस, ये है, ये प्लेन फाइंड करना है आपको, इट इज पैरेलल टू दिस। एंड प्लेन का कहाँ होता है आपका डी आर्स, प्लेन के डी आर्स कैसे होते हैं, प्लेन के डी आर्स कैसे होते हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं ना, मैंने बताया था ना, डी आर्स ऑफ द प्लेन बोलूँ या डी आर्स ऑफ द नॉर्मल बोलूँ सेम ही चीज़ है। तो यानी ये लाइन और इसके डी आर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर,
क्या ये चीज हमको दिख रही है? यस और नो माय आर्मी, एक बार बता दो, फिर से समझो। इस बुक की आपने इक्वेशन निकालनी है जिस पे देयर आर टू पॉइंट्स गिवन। ऑलराइट, दिस इज द बुक व्हिच आई एम रीडिंग। ओके, चलो, इसकी आपने इक्वेशन निकालनी है एंड दिस इज बेसिकली इट इज पैरेलल टू दिस। अब इसका ये मतलब नहीं है दोनों के डीआर सेम सेम हो जाएंगे, ना ना ना। इसीलिए बिगनिंग में बताया था कि प्लेन्स के डीआर की जब भी बात करोगे इट इज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन हो गया, ये तो यानी इनके डीआर परपेंडिकुलर हो गए, है ना? तो परपेंडिकुलर हो गए तो यानी डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस जीरो सी इज अ जीरो। ये चीज हमने कल भी करी थी, ये चीज हमने कल भी करी थी। आई हैव गॉट टू इक्वेशंस पीपल, टू थ्री बोल देती हूँ इसको। कैन आई सॉल्व देम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या विच एवर वे एंड फाइंड माई ए बी सी? क्योंकि ए बी सी मिल गया तो बस यहां पे डाल दो एंड यू आर डन, यहां पे डाल दो एंड यू आर डन। यस और नो, है ना? बिल्कुल, कई बच्चों ने यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर दिया है। चलो एक काम करो, इसका आंसर ना मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप यहां तक नोट आपके पास आ जाए, इसका लिख देना आंसर टू द होमवर्क क्वेश्चन एंड ये वाला आंसर दे देना मुझे। कम ऑन, टेक अ क्लिक क्लिक फटाफट। ऑलराइट, चलिए, आई होप दिस इज डन, आई होप दिस इज डन। ठीक है, अब आ जाओ प्लेन। दिस इज द थर्ड कैटेगरी गाइज, दिस इज द थर्ड कैटेगरी, प्लेन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कौन मुझे बताएगा यार प्लेन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स क्यों नहीं हो सकते? ये नॉन कोलिनियर का क्या फंडा है? नॉन कोलिनियर क्या क्या फंडा है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाई डिड आई स्पेसिफाई थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? क्या होता है, क्या होगा अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे? कैन समवन टेल मी? यस, क्या हो जाएगा? मैंने बोला मेरे को यहां यार तीन अलग अलग, दे शुड नॉट बी कोलिनियर, डिफरेंट प्लेन्स। अच्छा नहीं, किसी ने तो अभी एक बहुत ही, यस कार्तिक बिल्कुल, केविन राइट, रॉकी, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन मिल जाएंगे ना बच्चों। एक आपको कोई वो देती हूं एग्जाम्पल। ओके, तो ये यार आपने क्या किया, आपने तीन कोलिनियर पॉइंट ले लिए, तीन कोलिनियर पॉइंट ले लिए और बोला मुझे इसकी इक्वेशन निकालो प्लेन की विच इज पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन दीज थ्री कोलिनियर पॉइंट। हेलो जी, ये लो जी, ये लो, प्लेन्स ही प्लेन्स है, सबके सब सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये चीज समझ में आई? सो यू विल एंड अप गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स, वो हमको नहीं चाहिए। व्हेन आई वांट द इक्वेशन, आई वांट द इक्वेशन ऑफ दैट वेरी प्लेन। ये चीजें हमको समझ में आ रही है, राइट? सो आई एम गिवन दीज, आई एम गिवन दीज थ्री पॉइंट्स, लेट्स से ए बी सी मेरे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज आई विल एंड अप गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स, एब्सोल्युटली। अब इसका क्या फंडा है, इसका क्या फंडा है, आप क्या कर सकते हो? डू वी रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्लेनैरिटी? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद है? कहां किया था ये भी याद है कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। यस, कोप्लेनैरिटी ऑफ लाइंस करी थी हमने, वो कहां पे की थी? हमने किया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? ऑल द थ्री लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना? एसटीपी बच्चे लिख रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। ऑल द थ्री लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, वही फंडा यहाँ पे हम चला रहे हैं। ठीक है, वही फंडा हम यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इफ आई टॉक थ्रू ओरिजिन, या फिर मैं क्या करूं, एक जनरल पॉइंट ले लूं इस पे। सो ए बी सी मेरे पास थे जिनके, लेट्स से द पोजीशन वेक्टर्स आर अवेलेबल विद मी, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी। ठीक है, एक मैंने अपनी तरफ से ले लिया आर। अब याद है उसके अंदर क्या होता था, दे आर ऑल फ्रॉम द सेम ओरिजिन, दे आर ऑल फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो मैंने यहां से ले लिया इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए सी, यहां से मैं अगर लू ए बी ए सी ए आर, यहां से मैं लू अगर ए बी ए सी ए आर, अगर मैं फाइंड करूं एंड मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दू जीरो, सो द फाइनल आंसर दैट आई एम गोइंग टू गेट
Why am I making it? Because I'm saying they are coplanar. मेरे पास यार कुछ ऐसी अजीब सी ये चीज आ जाएगी. Scalar triple product of तीन. मैंने क्या किया, चौथा पॉइंट अपने आप से लिया, चौथा पॉइंट अपने आप से लिया. एंड लेट्स से आप किसी भी एक को फिर फिक्स कर लो. ए आर ए बी ए सी, मैंने बोला था ना कोई भी एक फिक्स कर लो. बी को फिक्स करना है तो बी ए बी आर बी सी. सी को फिक्स करना है तो सी आर सी ए सी बी, क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव टू बी को इनिशियल या को टर्मिनस, मतलब सेम पॉइंट से शुरू हो या खत्म हो. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. लेकिन इसमें सच बताऊं ये वेक्टर फॉर्म है. इसका इजी फॉर्म क्या है याद करने का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेते थे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है ना, बस वही करना है. That's it, वही करना है. So, इसको मैंने एक रिजल्ट की तरह दे दिया. एक्चुअली ये है क्या, इट इज ओनली द कार्टीजियन फॉर्म, इट इज ओनली द कार्टीजियन फॉर्म पीपल, इसको मत भूलना. राइट, राइट, डिटर्मिनेंट. तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को तीन पॉइंट्स गिवन है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, मैंने चौथा पॉइंट अपने आप लिया विच इज आर एक्स वाई जेड. एंड वॉट डिड आई डू, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन किया. एंड बाकी ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मैम, कुछ भी नहीं हो रहा यार, यही काम किया है मैंने. ए व्हाट एम आई सेइंग, ए आर वेक्टर, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो. बस इन्हीं वेक्टर्स को इक्वल टू जीरो कर दिया है. वेरी वेरी सिंपल. समझ में आया कि नहीं, यस yes? समझ आया कि नहीं. देखो एक एक चीज, एक क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड आ रहा है कि मैम व्हाट इफ दे आर नॉन कोप्लेनर. बेटा इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन तो नॉन कोप्लेनर कैसे होंगे, है ना, नॉन कोप्लेनर कैसे होंगे. हमने चारों पॉइंट, जो चौथा पॉइंट लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, इसको याद कर, याद से देखो, ये ए पॉइंट भी यहाँ है, ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी है, ये सी है. चौथा पॉइंट भी मैंने सेम ही उस पर लिया, मैं उस पर आपस में ही उनको ज्वाइन कर रही हूँ यार, वो प्लेनर को प्लेनर ही होंगे ना सबके सब, दे विल बी ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, इतनी सी बात है. दिस वॉज योर सिंपल फंडा. आ जाओ एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस. अभी तो आपको पता है, बट ऑलवेज चेक कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है. कैसे चेक करोगे थ्री पॉइंट्स का कोलिनियर, चाहे तो स्लोप से कर लो, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो, वो सब मैंने स्ट्रेट लाइंस में आपको बताया हुआ है ना. आई होप दिस इज डन. अब इसमें फटाफट से इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हाउ विल आई फाइंड द इक्वेशन बच्चों, x, क्योंकि x तो x ही है ना, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन. अब आ जाओ, अब खेलो, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. एंड सेम चीज अब इनमें आ जाओ, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू जीरो. बस एक्सपैंड करने का और आंसर निकाल डालने का, यू आर डन, यू आर डन. दैट्स गोइंग टू बी इक्वेशन ऑफ द प्लेन. बताओ मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आई, यस और नो माय आर्मी, यस. एंड देखो जल्दी से, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है. एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ सुपर अमेजिंग सेशंस फॉर यू गाइस. एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात कर रहे हो बॉस, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है. मैम को भी तो मोटिवेटेड रखना है ना. सो दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली डिड, इसे ओपन करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इक्वेशन दे दो, है ना. आगे बढ़े, आर वी रेडी, आर वी रेडी, चलिए लेट्स गो आगे. क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन योर स्क्रीन्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. हाँ ये देखो, जेई मेन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन. हाउ विल वी डू दिस, हाउ विल वी डू दिस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड अलॉन्ग दिस वियर्ड लुकिंग लाइन, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे. लेट्स सी दिस, लेट्स सी दिस. क्या किया आपने, व्हाट्स द सिचुएशन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन. तो यार ये लगा लो आप, ये एक पॉइंट है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. अच्छा ये चीज मैं करूंगी आपके साथ,
इफ नथिंग इज मेंशन, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस प्लेन, तो आप क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उसके लिए फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला आई विल बी डूइंग इन माय अपकमिंग सेशंस, ठीक है. लेकिन लेकिन यहां बात नहीं है, यहां बात कुछ बदल चुकी है. यहां आपको बोला है मेजर्ड अलोंग द लाइन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये पॉइंट है आपको यार बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू यूज योर सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला. बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं इसका आंसर. सोच लो, सोच लो. यस, गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी किसी ने, राइट. What happens? Today no 11th class. Riya, there is 11th class na, sequences and series beta, hai na? So x equal to y. Achha, pehle to samjho, ye jo humne kal equations of lines kari thi, this is the standard form, correct. Ab main equation of AB bolu, equation of AB bolu, we did that point parallel form. Kya tha? X minus x1, y minus y1, z minus z1 upon drs. DRs में किसके लूंगी? सेम है ये जो गिवन लाइन है, सेम DRs ले लेगा ये 1 1 1. अब क्या करूं, क्या मुझे कोई याद करा सकता है क्या करते थे? लेसन टू वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट. लेसन टू जो मैंने कराया था वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट. हम एक जनरल पॉइंट लेना सीखा था हमने कल. हाउ डू आई टेक द जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन? जल्दी से बता दो, हाउ विल वी टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन? Let me see how many of you are writing this. Yes? बिल्कुल. Equal to lambda ले लेते हैं, तो मेरा general point B क्या आ जाएगा? Lambda plus 1, lambda minus 5, lambda plus 9. That's it. That's it. अब एक चीज है, how do I find this lambda? मैम बोल तो दिया, how do I find this lambda? कैसे find करेंगे? Come on people, let me see this. Let me see this. How will we find this lambda? You know B is also lying on the plane, so B will satisfy the plane. B will, ये this point B satisfies equation of the plane, है ना? Satisfies equation of the plane. तो चलो फटाफट से सब बच्चे मुझे लैम्डा निकाल के दे दो. क्या हो जाएगा? आई विल पुट इट हियर. लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 5. व्हाट्स लैम्डा नाउ? ये कैंसिल हो गया है. 5 एंड 1 6 17. कितना आ रहा है लैम्डा आपका? यस yes? अच्छा, अपने आप ही लैम्डा वन है, हैं? अपने आप ही लैम्डा वन है, सारे लैम्डा वन होते हैं. ऐसा क्या होता है क्या बच्चों? इज इट बच्चों, ऐसा होता है क्या? एनीवे, यू विल फाइंड योर लैम्डा, उससे आपको पॉइंट बी मिल जाएगा, उससे आपको पॉइंट बी मिल जाएगा, दैट्स इट. उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना एवरीबडी? आई होप वी आर एब्सोल्यूटली क्लियर विद दिस वन. ठीक है, क्या किया है? लैम्डा माइनस 10 आ रहा है. यस, नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग. बिल्कुल, लैम्डा माइनस 10 आ जाएगा. आप इसमें डाला, आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको पी के. अब मैंने आके क्यों आपको सॉल्यूशन दिखा दिया? बिकॉज यार ये सिर्फ कैलकुलेशंस है, इसमें देयर इज नथिंग न्यू दैट आई कैन डू. ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हो. एंड बिल्कुल बेटा, हाई फाइव टू ईच वन ऑफ यू जो बोल रहे थे बी इज द आंसर. सुपर जॉब, सुपर जॉब. आगे बढ़ा जाए, बट आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम टू रीफ्यूल. रीफ्यूल मतलब जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को मजा आ रहा है. एंड फिर से बोल रही हूँ, इन केस यू आर न्यू आउट हेयर, आपको इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, ये लिंक मिल जाता है 11th एंड 12th मैथ CBSE से JEE तक. यानी 11th एंड 12th के जितने भी टॉपिक्स वी आर डूइंग रेगुलरली, I am giving the video links directly, ताकि आपको कहीं भी भटकना नहीं है. All you need to do, जैसे class 11 में जो जो भी हो चुका है, modulus function जाके पढ़ना है, just click on this, the video begins. The video begins, इसी video के नीचे बच्चों, है ना, इसी video के नीचे you will find the PDF for it. तो it is as simple as that. इतना सिंपल सा फंडा है कि कुछ भी अगर आपने मिस कर दिया, इसी के नीचे फिर हमने क्लास 12th के भी टॉपिक्स अपडेट करने शुरू कर दिए हैं. राइट माय आर्मी?
राइट चलिए ऑल राइट पीपल आगे बढ़ते हैं. ओके इसको जरा सोचो, इसको जरा सोचो. द रेशियो इन विच दिस प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग. अब ये कैसे लिखा मैम आपने, ये कैसे लिखा, ये कैसी इक्वेशन है प्लेन की, है ना. इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मैं कैसे करूं. दिस इज द सेम आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू जीरो. इसको अगर आपको कार्टेशियन में करना है, विच आई विल सजेस्ट कि जरूर करो, आर की जगह यार एक्स वाई जेड कर दो, ठीक है, एक्स वाई जेड कर देना आर की जगह, एंड आई जे के की जगह वो एक्स वाई जेड डाल दो. सो एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 17. ये थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, वो मुझे बहुत स्केरी लग रही थी, ये मुझे थोड़ी अपनी अपनी सी लग रही है. राइट अब हाउ डू आई गो आगे, हाउ डू आई गो आगे. डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. राइट तो कैसे करेंगे इसे, तो कैसे करेंगे इसको, कम ऑन माय आर्मी लेट मी सी दिस. ये आपका बेसिकली दिस इज द लाइन, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स. तो मैं पॉइंट्स को क्या करती हूँ, मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेती हूँ माइनस टू फोर सेवन, एंड यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ थ्री माइनस फाइव एंड एट. सेक्शन फॉर्मूला लेट मी से कि यार ये जो प्लेन है ना, इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो केस टू वन. सिंपल सिंपल आपका है ना. तो पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा आपका थ्री के माइनस टू यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला के प्लस वन. ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव के प्लस फोर अपॉन के प्लस वन. एंड फाइनली बच्चों दिस इज गोइंग टू बी एट के प्लस सेवन अपॉन के प्लस वन. ठीक है जी. नाउ हाउ डू आई फाइंड के, यस हाउ डू आई फाइंड के. अच्छा यहाँ पे यार बहुत सारे बच्चे सी बी एस ई की रिविजन की बात करते रहते हैं. वेन डू यू गाइज हैव योर एग्जाम्स, है ना, किस टाइम पे करना चाहते हो, मतलब आप लोगों के क्या हाफ ईयरलीज के डेट्स आ चुके हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है अभी यहाँ पे आ जाओ. यस कैसे करोगे इसे. नाउ अगेन ये जो पॉइंट पी है इट विल सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना, इट विल सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सुपर जॉब. तो यहाँ आ जाओ थ्री के माइनस टू अपॉन के प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ यही काम प्लस थ्राइस ऑफ एट के प्लस सेवन अपॉन के प्लस वन इज 17. दैट्स इट. फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड वी आर डन. फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड वी आर डन. लेट मी सी कितने बच्चों ने बता दिया है. व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द आंसर. इसको सॉल्व कर लेना. एंड या आई थिंक इट इज टर्निंग आउट टू बी 3/10. सो 3:10 शुड बी द आंसर. ठीक है जी, ठीक है. ऑल राइट माई आर्मी चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सोचो, सोच के देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे. सोचो सोचो, कम ऑन गाइज, सोचो सोचो, लेट सी दिस. Let's see. The equation of the plane containing the line is this. अब ध्यान से visualize करना. Equation of the plane. Suppose ये आपका पूरा blackboard plane है. Containing this line. ये line है. कल ये line की equation करी थी. यानी ये point क्या है इस line के ऊपर? Alpha, beta, gamma. Yes, it is in the standard form. ये point है. ठीक है. Equation of this plane is given by this. इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय दिस. अब ध्यान से समझो ए बी सी क्या है. ए बी सी क्या है, दे आर द डी आर्स ऑफ द प्लेन, है ना. और क्या बोल सकते हैं, ए बी सी क्या है, डी आर्स ऑफ द प्लेन है. एक और चीज है, सेम ही चीज होती है कि डी आर्स ऑफ द परपेंडिक्यूलर टू द प्लेन. देखो जो बिगनिंग में बात बताई थी वही बार बार यूज कर रही हूं, डी आर्स ऑफ द परपेंडिक्यूलर टू द प्लेन. अब ये इस पे पॉइंट है, ठीक है. अच्छा ये इसके डी आर्स है. लाइन के डी आर्स क्या है, डी आर्स ऑफ द लाइन है एल एम एन.
आपको नहीं लगता कि इस लाइन के डियाज और इस प्लेन के डियाज दे आर परपेंडिकुलर, है ना? मुझे क्या है, मुझे ये बुक गिवन है ना, मुझे ये बुक गिवन है जो प्लेन है जिसमें एक लाइन है, तो जो लाइन के डीआरज हैं वो तो यही है, लेकिन डीआरज ऑफ द प्लेन तो यहाँ है ना बॉस, परपेंडिकुलर है, सो द डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी जीरो। बिल्कुल सही जवाब, बच्चों ने अंडे दे दिए हैं, नहीं मेरा मतलब बच्चा आंसर जीरो दे दिया है, एब्सोल्युटली राइट। सो ए एल, क्योंकि यही डीआरज है ना, ए एल प्लस बी एन प्लस सी एन इज जीरो, है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सुपर जॉब माय आर्मी। ठीक है जी, चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक्चुअली इसमें एक छोटा सा एक ही फॉर्म है, इसमें बहुत ही छोटा सा एक ही फॉर्म है। व्हाट डू यू डू इन दिस वन? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये आपका सपोज प्लेन है। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? दिस प्लेन, ऐसे विजुअलाइज करो, ये आपका 3D सिस्टम है, ठीक है? प्लेन, अब इंटरसेप्ट क्या बनाना होता है, वेयर इज इट कटिंग द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस, द जेड एक्सिस। तो सपोज मैंने बोला यार ये ना एक्स एक्सिस पे इधर कट कर रहा है प्लेन, वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, जेड एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। सो फ्रॉम ओरिजिन दिस डिस्टेंस इज लेट्स से ए, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से बी, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से सी। तो आपका प्लेन कुछ कुछ ऐसा कर रहा है, बेटा ये प्लेन ही है समझ लो, कुछ ऐसा है, मतलब ट्रायंगल जैसी फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, बट है ये तुम्हारा प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस। अब एक चीज सोच के देखो, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऑन द एक्स एक्सिस दिस विल हैव द कोऑर्डिनेट्स ए जीरो जीरो, ऑन द वाई एक्सिस आई कैन कॉल दिस जीरो बी जीरो, एंड ऑन द जेड एक्सिस आई कैन कॉल इट जीरो जीरो सी, द जेम्स बॉन्ड, राइट? ये मिलेगा मेरे को, है ना? सो अब मैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ की इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, समझ में आया? इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूजिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो अभी थोड़ी देर पहले करा था, इफ आई विल यूज दैट एक्स माइनस ए, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, ठीक है? एंड यहाँ पे ये काम करेंगे माइनस ए बी जीरो, एंड सेम वे लास्ट वाले के साथ भी माइनस ए जीरो सी, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको अगर इसको सॉल्व करके बताऊं क्या बनता है, जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होता है ना, उसको बस खींच दिया, एक और चीज कर दी, मतलब ऑफकोर्स आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये यहाँ तक आपको पता है ना, यहाँ तक हमको पता है हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन करते थे। अब प्लेन है तो यही याद करने के लिए कितना ईजी है, प्लस z by c is equal to 1, that's it, it's as simple as that, right? अच्छा इनफैक्ट ना मैं तुमको दिखा देती हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने PDF ना ऑलरेडी अपडेट करा लिया है, तो मैं आपको न्यू PDF खोल के दिखा देती हूँ, यही वीडियो के नीचे यही लिंक है जो हम एवरी वीक दो बार अपडेट कर देते हैं, तो जो जो भी चीज़ें हो रही हैं ना इसमें सारे वीडियो लिंक्स लगते रहते हैं। सो मूविंग टू क्लास 12th बच्चों, क्लास 12th ये सब हो चुका है, एंड जो मैं 3D की बात कर रही थी ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें मतलब ये लेसन नंबर 3 है जो चल रहा है, यही वीडियो देख रहे हो आप, देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ वही चीज़, ठीक है? एंड लेसन 2 ये है, लेसन 1 जाकर इससे रिवाइज कर लेना, ठीक है एवरीबडी? ओके पीपल, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, कम ऑन। ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose x, y, z intercepts are 3, 4, 7, मतलब बिल्कुल ही ऐसा सवाल, x by 3 plus y by 4 plus z by 7, कहानी ओए कहानी खत्म, ये क्या हो रहा है बच्चों? या हियर इट इज, दैट्स इट, कहानी खत्म, ज्यादा से ज्यादा LCM ले लोगे वरना यहीं छोड़ दोगे, isn't it my army? आगे बढ़े, yes, आगे बढ़े, चलो find the length of intercepts made by this plane. टाइम दिया आपको, डिसाइड करो हाउ विल यू फाइंड इट, लेट मी सी इन द चार्ट सेक्शन। कम ऑन माय आर्मी, लेट्स चेक दिस, यस
लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या करोगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओगे जैसे स्ट्रेट लाइंस में करते थे, है ना. यू विल हैव टू मेक इट लुक लाइक क्या, उसके लिए ये वन होना चाहिए. तो सिक्स से सारी जगह डिवाइड कर दो, सिक्स से सारी जगह डिवाइड कर दोगे, है ना. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अब आप इसको स्टैंडर्ड लिखो, एक्स बाय सिक्स वाई बाय सिक्स बाय टू जो थ्री हो जाएगा, एंड जेड बाय माइनस सिक्स बाय थ्री जो माइनस टू हो जाएगा. दैट्स इट. सो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, सिक्स थ्री माइनस टू. वेरी वेरी सिंपल सवाल, आई होप बच्चों ने इसको किल कर दिया है. यस yes? चलो फटाफट से लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी आ जाओ यहाँ पे. हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. लेट्स सी दिस. Find the equation of the plane passing through this point and perpendicular to this plane. Easy है कि नहीं, easy है कि नहीं, ये देखो. Equation of the plane passing through these two, वही करेंगे काम. A x minus 2 plus B y minus 2, वही अपना आलू फॉर्म, plus C z minus 1 is equal to 0, है ना. This is going to pass through 936, ठीक है. तो ये 936 से पास करेगा. Isn't it my army? So 7a plus b plus 5c 0. अब देखो equation of the plane perpendicular to another plane. मतलब बॉस समझ जाओ, ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो यार फिर तो सही है ना, डीआरस का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दोनों के ही जो डीआरस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे. दैट्स इट. इसके डीआरस हैं एबीसी, इसके डीआरस क्या है 266. सो 2a प्लस 6b प्लस 6c इज अ जीरो. फिर से आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी. सोनू यहाँ पे बोल रहे हैं m1 इक्वल टू m2. नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, वो 2D में है, वो स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है. ये आपका 3D का कॉन्सेप्ट है. ऑल राइट पीपल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे लिखते हो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में. सो फॉर ए हाइड ए 6 minus 30 minus 25. For B, hide B, this is 42 minus 10, 32. And C को hide कर लो, 42 minus 2, 40. ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, minus 25, minus 32 and 40. अब यहाँ पे डाल दो, कुछ simplify हो रहा है तो कर लो, otherwise that's your answer. है ना, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 24 आ रहा है बच्चे कह रहे हैं, एक मिनट let me check. 6 माइनस ओ हो ऑफ कोर्स बेटा, सॉरी अपोलॉजीज, बिल्कुल 24, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट. यस यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो बहुत सही. ये तो आप माइनस 8 से डिवाइड कर दोगे, पहले माइनस 8 से डिवाइड कर दो. इट दिस इज गोइंग टू बी 3, माइनस 8 से डिवाइड कर रही हूं तो 4, एंड दिस इज माइनस 5. डी आर आर कूल, इट्स गिवन, बस इसमें डाल दो एंड आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है जी, दैट्स. यहाँ पे थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट देखो डी आर आपके वही आ रहे हैं, 3, 4, minus 5 एंड पॉइंट्स भी सेम है. यहाँ प्रोसीजर शायद कुछ डिफरेंट डिस्कस किया है इन दिस सॉल्यूशन, बट आई हैव ट्राइड डूइंग समथिंग विच इज वेरी वेरी सिंपल. राइट, चलो लेट्स गो लिटिल फर्दर बच्चों. एंड इनफैक्ट मैं आपको यार वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पे लेके आती हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. आलू फॉर्म के बाद जो सबसे ज्यादा फॉर्म आपके सीबीएसई एग्जाम में या जेई के एग्जाम में आता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. यानी इफ यू हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज गेटिंग इंटरसेक्टेड, यानी कि आपने ये लिया, ये आपके दो प्लेन आए, है ना. अब इसके इंटरसेक्शन से, जो यहां से आप ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो आप एक तीसरा प्लेन जनरेट कर सकते हो, ऊपर या नीचे कहीं भी, दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. इसमें आपने क्या याद करना है, कैसे याद करना है, सिंपल सी बात बताऊंगी.
कुछ मत याद करो, एक चीज़ याद कर लो, अगर जनरल इक्वेशन एक प्लेन की मैं बोलूँ, जैसे ये प्लेन है इसकी है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज अ ज़ीरो, ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज अ ज़ीरो, जहाँ पे यू ऑलरेडी नो ए वन बी वन सी वन ये सब डी आर्स ऑफ द प्लेन है, राइट, सब डी आर्स ऑफ द प्लेन है. तो इसमें आप क्या करते हो, आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज, आप प्लेन वन लेते हो प्लस लैम्डा टाइम्स, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है ना, इससे आपको पूरा हरा भरा परिवार मिलता है प्लेन्स का, ठीक है. एंड हमेशा कार्टेशियन में चेंज कर लो, वेक्टर में मत रहने देना, राइट, कार्टेशियन में चेंज कर लो, दिस इज इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि यार जब मैंने इंटरसेक्ट किया ये ब्लू लाइन आई, इस लाइन से तो मल्टीपल प्लेन्स आ जाएंगे, अब मुझे तो एक ही चाहिए बॉस. उसके लिए यू विल बी गिवन वन एक्स्ट्रा कंडीशन इन द क्वेश्चन, जिससे यू कैन फाइंड दैट लैम्डा टू गेट दैट यूनिक इक्वेशन, राइट, टू गेट दैट यूनिक इक्वेशन, ठीक है जी. तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट एवरीबडी, एवरीवन, लेट्स डू दिस. इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द टू प्लेन्स, कंटेनिंग द टू प्लेन्स, या फिर हमें बोलना चाहिए था कंटेनिंग एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है, नॉट कंटेनिंग, आई थिंक यहाँ लाइन्स था, या मैं बोल सकती हूँ कंटेनिंग द लाइन्स या थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. तो मैं क्या बोलूँगी, 2x माइनस 5y प्लस z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 4z माइनस 5, ठीक है, जीरो, एंड इट इज पैरेलल टू दिस प्लेन. इस प्लेन के डी आर्स क्या है, 136. इसके डी आर्स क्या है, मुझे नहीं पता. कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x, ऐसे कलेक्ट कर सकती हूँ मैं x एंड y के पॉइंट्स, माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स z माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा इज अ जीरो. अब डी आर्स मिल गए तुमको, डी आर्स मिल गए, कहां से मिल गए, ये रहे. नाउ बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल, समझो इसे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल, यानी के मैं क्या बोलूंगी, डी आर्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, है ना. आई होप ये क्वेश्चन लाइन्स ही था यार, इसमें डी आर्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, हाँ लाइन्स ही होना चाहिए था, ठीक है. तो डी आर्स आपने प्रोपोर्शनल कर दिए दोनों के, एज आई वॉज मैंशनिंग, क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं. डी आर्स प्रोपोर्शनल, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसको डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, यू कैन फाइंड द फाइनल आंसर, ठीक है जी. एवरीबडी कम ऑन, हिट दैट लाइक बटन बिफोर वी गो अहेड. एंड फिर से एक बार आपको, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वेदांतु इज लॉन्ग टर्म कोर्सेज. अब प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना, अगर CBSE ग्रेड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस इज द राइट टाइम. क्या मैं 95 प्लस ला सकती हूँ, ला सकता हूँ, एब्सोल्यूटली येस. इट्स ऑल अबाउट कितने अच्छे से आप पढ़ के रिविजन कितनी सही से करते हो इन आखिरी महीनों में. ओके, सो फॉर दैट वी हैव दिस अमेजिंग कोर्स, दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर CBSE ग्रेड 12, ठीक है. अब आप इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, दो तरीके के ऑप्शंस है. एक तो आप CBSE ग्रेड 12 सिलेक्ट करते हो, इसके अंदर PCMB है. एक आप सिलेक्ट करते हो CBSE कॉमर्स ग्रेड 12, जिसके अंदर आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं. नाउ ऑफ कोर्स यू कैन, इसमें क्या क्या होता है यार, आपको लाइव क्लासेस होती हैं, एंड व्हेन आई से लाइव, इंटरएक्टिव लाइव का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई डाउट पूछने हैं वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाते हैं, अनलाइक यूट्यूब क्लासेस. क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे पीछे से चैट बॉक्स में कुछ कुछ डाउट पूछ रहे होते हैं, बट पढ़ाते हुए ना बार बार नहीं देख सकते, राइट, बट वहाँ पे ना बैकग्राउंड में देर आर अदर टीचर्स, तो कोई भी डाउट होता है वो वहीं का वहीं किल डेड स्लॉटर हो जाता है. एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स इज यू गेट अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल, द टाइम टेबल जो आपको, ये सिर्फ एक सैम्पल ले रही हूँ एक बैच का, इस तरह से दिखता है, किस दिन क्या क्लासेस होंगी आपको पहले ही पता चल जाता है,
ठीक है, पूरा कैलेंडर आपके साथ शेयर हो जाता है, राइट? सो यू डेफिनेटली नो एंड प्लान. वंस द क्लासेस आर ओवर, आपको, एंड ये मैं बात खाली सीबीएसई के लिए नहीं, इवन इफ देयर समबडी फॉर जेई मेंस, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर में हो, ड्रॉपर बैच में हो, सबका सेम गेम प्लान है, ठीक है? सो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको मिलती हैं. उसके बाद बच्चों यू ऑल्सो गेट इनकी रिकॉर्डिंग्स, ताकि बाद में जितनी मर्जी बार जाके देखो. क्लासरूम नोट्स मिल जाते हैं साथ के साथ ही, जिस डॉक्यूमेंट से टीचर ने आपको पढ़ाया है एज इट इज शेयर हो जाता है आपके लिए. Once the chapter gets over, short notes, and especially for JEE, there is Vedantu special material called Tattva, ठीक है, वो आपको अपलोड हो जाता है, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट questions, पास्ट ईयर questions, लेवल वाइज. तो आपको यार इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि अब मैं ये बुक करूं, क्योंकि यार बुक्स थोड़ी ना आपको बता देंगी कि मैं इंपॉर्टेंट हूं या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं. एंड मोर देन दैट, आप यार हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, वरना तो फिर आप एक कैलकुलस को ही 2 महीने बैठ के लगा सकते हो, राइट? तो इट्स अबाउट पिकिंग द करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो कौन बताएगा? वो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, जिन्होंने यार इतने 12th के रैंक्स, आई मीन 12th के एग्जाम्स बोर्ड में इतनी रैंक्स, जेई में एडवांस का भी रिजल्ट मैंने अभी शेयर किया था थोड़ी देर पहले, सब निकाले हैं, राइट? सो मेक श्योर जाके चेक जरूर करो. एंड इसी तरह के ना सबके लिए प्लान आप चेक कर सकते हो, लाइक फॉर ग्रेड 11 आपको इस तरह का प्लान दिख जाएगा, ओके? सेम वे जैसे योर ग्रेड 13, करेक्ट? आपने बस क्या करना है, वीडियो के नीचे जाना है, दिस इज द लिंक वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, यू जस्ट हैव टू, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, सिमसिम खुल नहीं रहा है, या इट्स हियर. आपने अपना ग्रेड सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड द टारगेट एग्जाम. लेट्स से क्लास 12th में हो तो सीबीएसई 2021 मतलब पीसीएमबी कॉमर्स क्लिक करके देखो, यू विल गेट द आई थिंक इको, बिजनेस स्टडीज, मैथ एंड और क्या होता है यार तुम लोग के पास, राइट? सो 4 सब्जेक्ट्स यू विल फाइंड हियर. एंड अगर जेई का टारगेट है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, क्लिक करते हो तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखती है अपने सामने, है ना? लेट्स से दिस इज फॉर ग्रेड 11. सो देखो, सबसे ज्यादा फायदा आपको तब होता है व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड लैचिंग ऑन टू द कंप्लीट कोर्स. सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, राइट? बट अगर सिर्फ ट्राई भी करना चाहते हो, देन ऑल दीज कोर्सेज हैव अ 1 month पैक, तो आप उसको जाके ट्राई कर सकते हो, राइट? वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, यू कैन डेफिनेटली एंटर द कोड, ठीक है, एनएजी प्रो, सो दैट यू गाइस कैन गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. दैट्स इट. चलिए माय आर्मी, सो आई गेस यस, इट इज अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आप आज आपके लिए बहुत स्पेशल सी एक वीडियो आने वाली है. वीडियो दिखा दे बच्चों. 4:30 सेट योर रिमाइंडर्स. आप सीबीएसई में हो, आप जेई में हो, आप 21 बैच में हो, 22 में हो, ड्रॉपर हो, कोई भी हो, है ना? आज सब अटक रहा है बच्चों. यप, this is the class which we are going to have in another 20 minutes. okay people, thank you so much for being here. yahan aate hain, dekhte hain, aa dekhe zara kisme kitna hai dam. thank you so much for being here my army. bye bye.